हेलो दोस्तों, मैं आप और एक और नया वीडियो। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपको कभी लैपटॉप में स्क्रीनशॉट लेना हो तो कैसे लेंगे आप? शौक गया ना? शायद बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट अगर लैपटॉप से लेना है, डेस्कटॉप से लेना है, तो किस तरह से आप लेंगे? तो सबसे पहले आप कीबोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, और कीबोर्ड में अलग अलग कंपनी में अलग अलग जगह हो सकता है, लेकिन एक बटन आप देखेंगे, इस पर लिखा होगा PRTSC, प्रिंट स्क्रीन। जैसे कि मेरे पास कॉम्पैक्ट प्रेस है, तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला बटन, ये देखिए PRTSC प्रिंट स्क्रीन। अब अगर आपने अपने लैपटॉप में कोई एक साइट खोली हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने गूगल खोला हुआ है और गूगल का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इस पेज का, तो आपने कंट्रोल का बटन और साथ में प्रिंट स्क्रीन का बटन, ये वाला, ये दोनों बटन आप एक साथ दबाएंगे तो यहाँ पर कंट्रोल और प्रिंट स्क्रीन दोनों बटन एक साथ दबाइए। और इसके बाद अगर विंडोज़ 7 है, उससे नीचे का वर्जन है आपके पास, तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे जाकर प्रोग्राम में जाके पेंट खोल लीजिए। लेकिन इसमें चूंकि विंडोज़ 8 पड़ा हुआ, तो मैं सर्च मार लेता हूँ। जैसे ही आप पेंट टाइप करेंगे, PA, ये देखिए पेंट आ गया, पेंट, यहाँ पर पेंट आ गया, पेंट आप खोल लीजिए। और अब पेंट सॉफ्टवेयर आप कर्सर को क्लिक करके और कंट्रोल वी, ये देखिए कंट्रोल वी दबाते ही पेंट में हमारा स्क्रीनशॉट कैप्चर हो गया। ये मैं आपको फुल करके दिखा देता हूँ, ये हमारा स्क्रीनशॉट इसमें आ गया। और अब इस फाइल को आप सेव कर लीजिए, आप जिस फॉर्मेट में चाहें उसमें आप सेव कर सकते हैं। सेव एज पे क्लिक करिए, PNG फॉर्मेट, JPEG, PMP, GIF या किसी अदर फॉर्मेट में, आप जिस फॉर्मेट में चाहें, मैं JPEG में सेव कर देता हूँ। ये मैंने पिक्चर्स में A नाम की फाइल सेव कर दी। तो चलिए इस फाइल को मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। पिक्चर्स में गए और ये देखिए आपका ये स्क्रीनशॉट आपका कैप्चर हो गया। तो देखा आपने कितना आसान है स्क्रीनशॉट को कैप्चर करना लैपटॉप पर भी। अभी तक आप मोबाइल से करते तो कभी आपको ज़रूरत हो, अक्सर होती है, आप बिल पेमेंट करते हैं या कभी कुछ एरर हो जाती है या किसी कम्युनिकेशन में आपको किसी चीज़ का रिकॉर्ड रखना होता है, तो पूरा स्क्रीन आपको चाहिए होता है, कई बार बच्चों का रिजल्ट आता है, तो आप इस तरह से स्क्रीनशॉट कैप्चर करके और सेव कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आज आपको थोड़ा सा उपयोगी रहा होगा। उपयोगी रहा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसका बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरा हर नया वीडियो की जानकारी पहले मिल सके। और बहुत सारे वीडियोस हैं, अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर भी कीजिए। और मैं कभी आपके साथ फेस टू फेस रूबरू हो सकूं तो लाइव वीडियो चैट करना चाहता हूं, कब करूं, कैसे करूं बताइए। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।